चंबल में कभी कुख्यात बदमाशों और डाकुओं की कदमताल गोलियां गूंजती थी, लेकिन अब साफ सुथरी चंबल अति दुर्लभ बाटागुर कछुओं का आशियाना बन गई है। टर्टर सर्वाइवल एयरलाइंस और वन विभाग का दावा है कि दुनिया में बाटागुर कछुए सिर्फ चंबल में बचे हैं, जिनकी संख्या 500 से ज्यादा है। बाटागुर कछुओं का वंश चंबल में खूब आगे बढ़ रहा है। अति दुर्लभ प्रजाति के कछुए अब सिर्फ चंबल में बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कारण इनकी लगातार निगरानी की जा रही है, इन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर इनकी दिनचर्या पर भी नजर रखी जा रही है। चंबल नदी की कछुओं की अगर उस पर बात करें तो उसके लिए जो है गर्व की बात है कि कम से कम यहाँ एक कछुआ वो अभी बचा हुआ था, और जिसको लगातार उत्तर प्रदेश वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल एलायंस लगातार उनके संख्या को बढ़ाने के लिए पिछले 8 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानवर होते हैं, कुछ वो जो सियार होते हैं या नेवला होते हैं, वो अंडे को खोद के खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी आ रही थी। और अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि उन अंडों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, उनके जो उनका घोंसला होता है, जो नेस्ट होता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ हमारा तरीका ये होता है कि कुछ जो हमें वाइल्ड में मिलते हैं, हम वहीं पर उनको जाली से और मतलब कांटों से और उसको घेर कर जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे जंगली जानवर उनको खा ना पाए। तो डबल तरीके से हम करते हैं, एक तो इन सीटू कहा जाता है जिसको, और एक एक्स सीटू कहा जाता है। तो इस दो तरीके से हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब ट्रैकिंग भी करते हैं इन्हीं कछुओं की, इसी प्रजाति की, सभी प्रजाति के कछुए, देखिए ये 8 प्रजातियों में सबसे अति संकटग्रस्त होने के कारण हमने जो स्टडी है ट्रैकिंग का, वो केवल साल पे स्टडी एज अ रिसर्च टॉपिक लेकर के हमने उसी पे स्टार्ट किया है कि उन पे ट्रांसमीटर लगा करके हम उनको देखना चाहते हैं कि वो कितनी दूरी पे जाते हैं, क्या खाते हैं, या उनका सर्वाइवल हो रहा है, वो वहाँ पे बच पा रहे हैं या ख़त्म हो जा रहे हैं। तो हम अभी 2 साल पहले हमने उनमें ट्रांसमीटर लगाया था रिलीज करने से पहले, और अभी भी हमें मतलब 80% सर्वाइवल रेट दिख रहा है वहाँ पे, तो जो कि काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रेट है।